हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ इसी समय और इसी चैनल पर आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर हूँ। आगे जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप समर सीजन में शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसके जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जहाँ पर जान लेते हैं मोटा मोटा। देखिए, यहाँ पर सबसे जो पहला काम, सबसे पहला जो बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है, कम खर्च में शुरू किया जा सकता है। अगर आपकी जेब में, ठीक है, 10,000, 20,000 रुपया है, 15,000 है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस गर्मी के सीजन में इस काम को शुरू कर सकते हो, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। नंबर दो पर, अगर आपके हाथ में कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, तो भी आप इस काम को शुरू करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आगे मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जो आगे मैं आपको काम बताने वाला हूँ। चलिए नंबर तीन पर बात कर लेते हैं। नंबर तीन पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप सरकारी जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, कहीं और काम धंधा करते हो, तो इसको पार्ट टाइम भी, ठीक है, शुरू कर सकते हो। तो ये इसके तीन सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये इसके तीन बड़े बेनिफिट्स हैं, जिस काम के बारे में मैं आपको आगे, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसको आप इस गर्मियों के सीजन में शुरू कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, लर्न एंड अर्न विद सुविंदर तुमान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। और पहले की तरह एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूँ आपकी सेवा में, जो कि रहेगा पार्ट टू समर बिजनेस आइडिया। तो अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के साथ जुड़े हैं, पहली दफ़ा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, ठीक है, आप अपने टैबलेट पर, पीसी पर इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप उन लोगों की लिस्ट में आते हो जो शुरू करना चाहते हो छोटा मोटा बिजनेस, कि आपको इसी तरह के, ठीक है, बिजनेस आइडिया आपके घर बैठे बैठे आपको मिलते रहे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस काम के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सबसे जो अहम बात है, ठीक है, सबसे जो अहम बात है, जिसके बिना, ठीक है, आपका कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता, कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपकी जेब में, अगर आपकी पॉकेट में, ठीक है, थोड़े से पैसे हैं, तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो छोटा मोटा, ठीक है, बाद में उसको आप बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते। बात करें, ठीक है, इस काम को शुरू करने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहां पर मोटा मोटा बता दूं आपको कि अगर आपकी जेब में 10-20 हज़ार रुपया है, अगर आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, 10-20 हज़ार रुपया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से लोन लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी से, ठीक है, पैसा उधार लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस काम के बारे में, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वो इतने ही पैसों में बड़े आराम से शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही बात कि हम, ठीक है, कितने पैसे में इस काम को शुरू कर सकते हैं और हमें कितने पैसे चाहिए, तो आपको 10-20 हज़ार रुपया चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं रेट लिस्ट के बारे में, ठीक है, आपके पास एक रेट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ कि जो काम मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिस काम को हम, ठीक है, हाईवे पर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें एक रेट लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से, ठीक है, रेट लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, वहाँ पर क्या, ठीक है, क्या चलता है, क्या मार्केट का माहौल है उस हिसाब से। लेकिन जहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी जो ये रेट लिस्ट है, वो 40 और 50 रुपये के बीच बीच रहेगी, ठीक है, इतने में ये चीज़ आपने आगे सेल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। आगे बात कर लेते हैं कि हमें कितनी कमाई हो सकती है, जिसको हम इस गर्मियों के सीजन में शुरू करना चाहते हैं, या फिर मैं आपको आगे जो बिजनेस, ठीक, आइडिया बताने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको कितनी कमाई रहेगी पर डे, यानी कि एक दिन का आप कितना कमा सकते हो। तो जहाँ पर मोटा माटी, ठीक है, मैं आप हिसाब लगा कर आपको बताया हूँ और बता रहा हूँ कि 500 से लेकर 2,000 रुपया तक आप कमा सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, वो आपकी हिम्मत है, ठीक है। लेकिन 500 और 2,000 के बीच बीच एक दिन का आपको जो कमाई है वो रहेगा। अगर हम इसको 30 दिन के हिसाब से देखें, तो आप 1 या 1.5 लाख के बीच बीच कमाई कर सकते हो इस गर्मियों के सीजन में,
इस काम को शुरू करके। तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के साथ आप पहली दफ़ा जुड़े थे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। पर बात करते हैं कि जिस काम के बारे में मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि आप इस काम को ठीक है शुरू करें इस गर्मियों के सीजन में, उस काम का नाम है नारियल पानी शॉप लगाना। आप हाईवे पर कहीं पर भी ठीक है इस गर्मियों के सीजन में अगर ठीक है नारियल पानी की शॉप लगाते हो ठीक है, तो आप ठीक है अच्छे पैसे कमा सकते हो गर्मियों गर्मी के सीजन में। इसके बेनिफिट्स मैंने बताए हैं कि अगर आप इसको शुरू करते हो तो आप बहुत ही कम पैसों में ठीक है इस काम को शुरू कर सकते हो। घर का कोई भी ठीक है बंदा इस काम को शुरू कर सकता है ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ठीक है आपके, और आप कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इसको शुरू कर सकते हो ठीक है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया जिसको आप इस गर्मियों के सीजन में कम खर्च में ठीक है शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास इस गर्मियों के सीजन में ठीक है, या फिर आपकी जेब में 10,000 20,000 रुपया है तो सोचियो मत ठीक है। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है ठीक है, काम कोई मुश्किल नहीं है दोस्त ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत करनी है ठीक है, आप बैठ जाइए ठीक है दुकान लगाकर, आप बहुत जल्द अच्छे पैसे कमाने लगोगे। तो ये था एक छोटा सा बिजनेस आइडिया जिसको आप छोटी सी रकम के साथ शुरू कर सकते हो अपने गांव के हाईवे पर ठीक है, कहीं पर भी ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हाईवे पर ही शुरू करो, कहीं पर भी शुरू कर सकते हो, जैसे स्कूल कॉलेज ठीक है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ठीक है, सिनेमाघर पार्क ठीक है, कहीं पर भी ठीक है आप अच्छे पैसे कमा सकते हो इस काम को शुरू करके ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 में और आपको एक बिजनेस आइडिया बताया जाएगा जो कि कम खर्च में शुरू होगा और कमाई आपको ज़्यादा करके देगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है ठीक है आप लोगों के लिए, आप अपने कमेंट करें ठीक है। एक लाइक का बटन दिया होगा, लाइक दबाएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हर रोज देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 3 में एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।